वोडाफोन के विज्ञापन में हम जिन कार्टूनों को देखते हैं दरअसल उन्हें जोजोस कहा जाता है और वे एनिमेटेड नहीं होते हैं। वे लोग विशेष रूप से डिजाइन किए हुए कपड़े पहने हुए होते हैं और बैकग्राउंड को इतनी अच्छी तरह से सजाया जाता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता इतनी अच्छी तरह से शूट किया जाता है। सड़क में आपने बहुत से अलग अलग प्रकार के इस तरीके का लाइन तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है इन सभी लाइंस का क्या मतलब होता है? आखिर ये लाइंस जानना क्यों जरूरी, आइए जानते हैं। नंबर वन, सॉलिड व्हाइट लाइन। इस व्हाइट लाइन का मतलब है रोड के दूसरी तरफ क्रॉस नहीं कर सकते हैं और न ही किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं। हालांकि आप किसी दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी से ओवरटेक कर सकते हैं या सड़क से बाहर जाने के लिए पार कर सकते हैं। नंबर टू, ब्रोकन व्हाइट लाइन। इस टूटी हुई व्हाइट लाइन का मतलब है लाइन बदल कर ओवरटेक कर सकते हैं बशर्ते सावधानी से। नंबर थ्री, डबल सॉलिड येलो। इस डबल सॉलिड येलो लाइन का मतलब है बिल्कुल भी गलती से ओवरटेक ना करे जब तक कि बहुत बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए ना। दोस्तों आपने प्लास्टिक के कुर्सी के ऊपर ये छेद तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है ये छेद क्यों और किस काम के लिए होता है? अगर आपको लगता है कि ये उठाने के काम में आता है तो आपका जवाब बिल्कुल गलत। आपको पता होगा कि अक्सर प्लास्टिक के स्टूल को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है और अगर यह छेद नहीं तो ये स्टूल हवा के दबाव और वैक्यूम के कारण आपस में ही चिपक जाएंगे और फिर इन्हें अलग करने में काफी मुश्किल होती है। और साथ ही अगर कोई अधिक वजन वाला व्यक्ति स्टूल पर खड़ा हो जाए तो भी यह स्टूल इस छेद के कारण आसानी से नहीं टूटता है। इन सभी कारणों के कारण स्टूल के बीच ये छेद दिया जाता है।